YouTube के इस चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो देख सकते हैं प्रेषक जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर जिला, देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षक 19-20 के अंतर्गत नियुक्ति के पश्चात रिक्त रह गए पद पर विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति उपलब्ध कराने के संबंध में लेटर दे सकते हैं महाशय। उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन वर्ष 19-20 के अंतर्गत नियुक्ति के पश्चात रिक्त रह गए पदों का विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय से निर्देश प्राप्त हुआ है। अतः निर्देश है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत नियुक्ति के पश्चात रिक्त रह गए पदों का विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति एवं सप्ताह के अंदर अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे। तो एक अच्छा शुभ संकेत मिल रहा है कि प्रारंभिक शिक्षक 19-20 के अंतर्गत नियुक्ति के पश्चात रिक्त रह गए नए पदों का विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति जो है वो मांगी गई है, यानी कि जितने भी नए पद रह गए हैं बच गए हैं उनको मांगा गया है, उनका विषयवार जो है वो रिक्ति मांगी गई है। तो सातवें चरण को लेकर एक विशेष लेटर जारी किया गया है और अच्छी खबर है कि इस प्रकार की खबर जब आती है कि रिक्तियां मांगी जाती है तो फिर से एक उम्मीद जगती है कि कहीं ना कहीं नियुक्ति का रास्ता खुल रहा है विभाग का। वहीं देखिए सातवें चरण में स्पष्ट कर दिया गया है कि 80,000 से अधिक पदों पर बहाली करनी है। छठे चरण के बाद रिक्त सीटों के साथ ही अन्य स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के सीटों का आकलन कर सातवें चरण में बहाली की जाएगी। इसमें छठे चरण के ही 48,000 से अधिक रिक्त सीट हैं, साथ ही हर साल शिक्षक रिटायर भी हो रहे हैं। ऐसे लगभग 30,000 से 35,000 सीट जो हैं वो खाली हैं, यानी सातवें चरण में 80,000 से अधिक शिक्षक की बहाली जो है की संभावना है। आगे देखिए मांग यहाँ पे फिर से आई है कि नियोजन प्रक्रिया शुरू करने की मांग तेज हो रही है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019 छठा चरण के नव सृजित नगर इकाई में काउंसलिंग आयोजित करने की मांग शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव दे सकते हैं को पत्र भी लिखा है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव जो माध्यमिक को पत्र भी लिखा है, अभ्यर्थियों ने कहा कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19 में सैकड़ों पंचायत नियोजन इकाई जो नव सृजित नगर इकाई में शामिल हो गए हैं उनमें नियोजन प्रक्रिया नहीं हुई है, देख सकते हैं। तो इसे लेकर प्रधान सचिव को जो है पत्र लिखा गया है। शिक्षक अभ्यर्थी ने कहा कि इन सभी नियोजन इकाई में काउंसलिंग के लिए जल्द से जल्द शेड्यूल जो है वो जारी कराया जाए। वहीं देखिए आगे है कि प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर भूख हड़ताल, कई की तबीयत बिगड़ी है। सातवें चरण की प्राथमिक शिक्षक नियोजन की तिथि जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों का भूख हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रहा है, देख सकते हैं। आंदोलन के 14वें दिन शुक्रवार को अभ्यर्थी एक सुर में बहाली की मांग पर अड़े रहे। अनशन में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी अपने बच्चों के साथ आंदोलन में डटे रहे। गर्दनी बाग में पहुंचे महिला अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे प्रदेश संयोजक मिकू पाल, ले सकते हैं निदेश दिनेश, निशा चौधरी, गुंजन ऋतु ने बताया कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक के लाखों पद रिक्त पड़े हैं। बावजूद इसके शिक्षा विभाग सातवें चरण के प्राइमरी नोटिफिकेशन को लेकर उदासीन है। भीषण गर्मी में भी अभ्यर्थी जो है वो डटे पड़े हुए हैं। अब ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है विज्ञप्ति और विज्ञापन जो है वो जारी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन सफल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सभी का सहयोग अति आवश्यक है। अधिक से अधिक अभ्यर्थी सहयोग प्रदान करें तभी जाकर नियुक्ति प्रक्रिया आगे फिर से आगे संभव हो पाएगी। तो वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।